हेलो स्टूडेंट, और टुडे टॉपिक इज व्हाट वीरमाता जीदाबाई टॉट शिवाजी। तो वीरमाता जीदाबाई ने शिवाजी को क्या पढ़ाया, यह आज हम पढ़ेंगे। जीदाबाई वॉज नो ऑर्डनरी वुमन, शी वॉज द डॉटर ऑफ द माइटी सरदार लखोजीराव जाधव एंड द वाइफ ऑफ द ब्रेव एंड वैलियंट शाहजी राजे। तो लखोजीराव जाधव की ये डॉटर थी कौन, जीदाबाई। वो एक ऑर्डनरी वुमन नहीं थी, एक पराक्रमी वुमन थी वो। और सरदार शाहजी राजे इनकी वो पत्नी थी, मीन्स ब्रेव वैलियंट पराक्रमी शाहजी राजे थे उनकी वो पत्नी थी। शी हैड इनहेरिटेड द नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड वारफेयर फ्रॉम द इन्फेंसी। इन हर द विटनेस द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मैरिटल ट्रेडिशन ऑफ द फेमस हाउस ऑफ द जाधव एंड भोसले। तो जाधव भोसले घराने की थी वो, और उन जो वारफेयर जो टेक्निक थी और जो ब्रेवनेस थी वो पहले ही जीदाबाई में थी। शी वॉज अ फ्रीडम लविंग पर्सन विद अ ग्रेट सेंस ऑफ राइट। वो फ्रीडम लविंग पर्सन थी। शी हैड लर्न दोज बिटर एक्सपीरियंस दैट हाउ वेयर मच अ मराठा सरदार डिस्प्ले वेलोर। तो उनको बिटर एक्सपीरियंस आ चुका था मराठा सरदार, जब मीन्स मराठा सरदार कितने भी कष्ट करते डिस्प्ले वेलोर, इट वॉज नॉट अप्रिशिएट इन द कोर्ट्स ऑफ द सुल्तान। मीन्स मराठा सरदार ने कितने भी अच्छे काम किए तो भी सुल्तान उनको अप्रिशिएट नहीं करता था, एक बिटर एक्सपीरियंस उनके पास था। शी हैड वैलिएंटली फेस द शॉक ऑफ हर फादर्स मर्डर इन द ओपन कोर्ट द इंस्टिगेशन ऑफ निजाम शाह। शी हैड रिजॉल्व दैट हर सन शाहजी वुड नेवर बी एंगेज इन द सर्विस ऑफ अदर। तो जो उनके फादर थे ओपन कोर्ट निजाम शाह के कोर्ट में उनको किल किया था, तो ये बहुत बड़ा धक्का उनको पहुंचा था। तो एट द टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि शाहजी शिवाजी महाराज कभी किसी की नौकरी नहीं करेंगे। ही वुड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ हिज ओन पीपल स्वराज। वॉज ब्रिंगिंग अप शिवाजी विद दैट आइडियल। उन्होंने अपने पीपल के लिए, मीन स्वराज के लिए, उन पीपल के लिए कुछ शिवाजी महाराज करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। शी वॉज ब्रिंगिंग अप शिवाजी विद दैट आइडियल। और ऐसा ही उनको वो पढ़ाते थे। द पीपल लिविंग इन द मावल रीजन वेयर कॉल्ड मावड़ाज। मावड़ रीजन में जो पीपल रहते थे वो मावड़ाज उनको कहते थे। दे वेर लॉयल हार्डवर्किंग एंड क्विक फुटेड। वो लॉयल थे, हार्डवर्किंग थे, कष्टाड़ू थे। नो वन कुड सरपास देम इन हार्डनेस बट दे वेयर हरास बाय द सुल्तान रूल। लेकिन सुल्तान के रूल की वजह से वो हरास थे। द आर्मीज ऑफ द सुल्तान यूज टू प्लंडर। सुल्तान की आर्मी उनके गाँव लूटते थे। देयर विलेज फेसिंग द पीपल टू एबोडन देयर प्लेसेस। नो बडी केयर फॉर देम। शिवाजी एंड टू डू समथिंग फॉर दिस पुअर मिजरेबल पीपल। तो शिवाजी महाराज को लगता था कि ऐसे पुअर पीपल के लिए कुछ करना चाहिए। रिटर्निंग होम शिवाजी वुड टॉक अबाउट हिज मदर। जीदाबाई वुड से शिवबा श्री रामचंद्र इज द एंसेस्टर ऑफ द भोसले। फिर जीदाबाई उनको कहते थे शिवबा ये जो रामचंद्र है वो भोसले के एंसेस्टर में पूर्वज है। राम किल्ड रावण एंड मेड द पीपल हैप्पी। राम ने किल किया, पीपल को हैप्पी किया। एंसेस्टर ऑफ जादवा इज श्री कृष्ण। जादवा के एंसेस्टर थे श्री कृष्ण। ही किल्ड कंस एंड बॉट रिलीफ टू हिज पीपल। ने भी कंस को किल किया। यू आर डिसेंडेज ऑफ द बोथ श्री राम एंड कृष्ण। यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वीक एंड मेक योर सब्जेक्ट हैप्पी। तो तुम भी राम कृष्ण के जैसे दुष्ट को डिस्ट्रॉय करके सब्जेक्ट को हैप्पी कर सकते हो। दिस वर्ड्स ऑफ जीदाबाई वेयर अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन टू यंग शिवाजी। ही वुड रिमेंबर द ब्रेव डीड्स ऑफ हीरोज ऑफ द पास्ट लाइक राम कृष्ण भीम अर्जुन। ही थॉट ऑफ देम ऑल द टाइम वेन एज स्लीप और अवेक। तो ये इसके बारे में हमेशा शिवाजी महाराज सोचते थे, राम कृष्ण भीम जिन्हें इन्होंने जैसे अच्छे काम किए वैसे मुझे भी करना चाहिए। ही फील दैट ही टू मस्ट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एज दे डीड एंड लाइक देम डिस्ट्रॉय द वीक एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज सब्जेक्ट। ही थॉट दैट ही शुड बिकम करेजियस एंड ब्रेव लाइक दिस हीरोज ऑफ ओल्ड। तो वो जैसे रामकृष्ण भीम अर्जुन ने काम अच्छे काम किए थे और लोगों को हैप्पी किया था,
वैसे ही मुझे करना है, इसके बारे में वो दिन रात सोचते थे और लोगों का भला करना चाहते थे। तो ऐसा एजुकेशन जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को दिया था। ओके, थैंक यू।